नमस्कार दोस्तों, नीट बायोजोन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे सेल बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो आइए इसी क्रम में हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कह रहा है कि विच इज डिफरेंशियली परमिएबल। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर टू। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड लीस्ट कॉम्प्लेक्स यूनिट ऑफ मैटर विच कैन बी कॉल्ड लिविंग। तो सेकेंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये कह रहा है कि फ्यूजन रिएजेंट इज यूज टू स्टेन। तो थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डीएनए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ये कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अकर्स इन। तो फोर्थ नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिप्पोपोटामस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है कि प्रोटोप्लाज्म इज एक्चुअली। तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोलॉइड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर सिक्स। ये कह रहा है व्हेन साइट क्रोमोसोम्स कंटेन सेकेंड सेटेलाइट देन दे आर कॉल्ड। तो सिक्स नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेंडम साइट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर सेवन। ये कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डीएनए इज कंसंट्रेटेड। सेवन्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर एट। ये कह रहा है कि द एब्जॉर्प्शन ऑफ डेड सेल इन ब्रॉड अबाउट बाई। तो एट का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइसोसोम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर नाइन्थ। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑर्गेनेल्स रिमेन्स इन्वेलप्ड बाई सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन। नाइन्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइसोसोम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर टेंथ। ये कह रहा है प्रोटोप्लाज्म अंडरगोज कोएगुलेशन विच रिजल्ट इन टोटल स्टॉपेज ऑफ ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। तो टेंथ नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 60 degree इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहा है हु स्टार्टेड दैट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल प्लांट। तो 11th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्लाइडेन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 12। ये कह रहा है थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। 12th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7.5 nm इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 13। ये कह रहा है विच वन ऑफ द दीज गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 14। ये कह रहा है द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ राइबोसोम इज। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वेदबर्ग यूनिट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 15। ये कह रहा है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए इज फाउंड इन। तो ये किसमें पाया जाता है, तो 15 का राइट आंसर माइटोकांड्रिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 16। ये कह रहा है कि हैमरलिंग परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट न्यूक्लियस इज फिजिकल बेसिस ऑफ हेरेडिटी बाई वर्किंग ऑन। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एसिटाइबुलेरिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 17। ये कह रहा है प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाई। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइबोसोम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 18। ये कह रहा है द राइबोसोम ऑफ 70 सेडिमेंट को इफिशियंट ब्रेक्स इनटू टू सब यूनिट। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 50 and 30 एस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 19। ये कह रहा है विच इज द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी टू सेल थ्योरी। यानी कि 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायरसेस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 20। ये कह रहा है लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स बिकॉज ऑफ। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 21। ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोजैक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट। तो ये 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 22। ये कह रहा है एक क्लस्टर ऑफ राइबोसोम हेल्ड टुगेदर इज कॉल्ड। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पॉलीसोम्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 23। ये कह रहा है कि व्हाट रॉबर्ट हुक यानी 1665 फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप एज वेल एज ए सेल वाज इन
फैक्ट। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि सिलवाल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहा है कि मेम्ब्रेनस यूनिट फार्मिंग ए सीरीज ऑफ कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस कैविटीज इन सेल आर कार्ड। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक्स क्वेश्चन नंबर 25 ये कह रहा है मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज प्रपोज बाई। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेनिली एंड ऑप्शन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक्स क्वेश्चन नंबर 26 ये कह रहा है द लाइसोसोम एंजाइम्स आर बेसिकली। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एसिड हाइड्रोलेज टाइप इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 27 ये कह रहा है ए सिंगल माइटोकॉन्ड्रियन इज फाउंड इन। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रो स्टीरियास इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 28 ये कह रहा है फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक्स क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि ऑटोसोम्स इज 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम अदर देन सेक्स क्रोमोसोम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक्स क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है राइबोसोम्स वेयर फर्स्ट ऑब्जर्व डिस्कवर्ड बाई। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पैलाडे इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक्स क्वेश्चन नंबर 31 पे कह रहा है द ऑक्सीसोम्स आर मेड ऑफ। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिपोप्रोटीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक्स क्वेश्चन नंबर 32 ये कह रहा है द डायमीटर ऑफ राइबोसोम्स वेराइज फ्रॉम। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 200 टू 240 एंगस्ट्रॉम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक्स क्वेश्चन नंबर 33 ये कह रहा है आरएनए इज अब्सेंट इन। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मा लेमा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक्स क्वेश्चन नंबर 34 ये कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज दीज। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिलीज एटीपी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक्स क्वेश्चन नंबर 35 ये कह रहा है कोलोइडल थ्योरी ऑफ प्रोटोप्लाज्म हैज बीन गिवन बाय। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिशर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक्स क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि हाइड्रोफोबिक एंड्स ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल आर। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉन पोलर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक्स क्वेश्चन नंबर 37 ये कह रहा है विच इज नॉट ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रियोल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक्स क्वेश्चन नंबर 38 ये कह रहा है द टर्म क्रोमोसोम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ल्ड 38 का राइट आंसर वाल्डेयर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक्स क्वेश्चन नंबर 39 ये कह रहा है कि क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट कार्ड। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसोम्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक्स क्वेश्चन नंबर 40 ये कह रहा है नॉन लिविंग सबस्टांसेस ऑफ सेल्स आर कलेक्टिवली नोन एज। तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ड्यूटोप्लाज्म इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक्स क्वेश्चन नंबर 41 ये कह रहा है विच इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल। यानी कि 41 का राइट आंसर राइबोसोम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक्स क्वेश्चन नंबर 42 ये कह रहा है सेंट्रोमियर इज रिक्वायर्ड फॉर। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डीएनए रिप्लिकेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक्स क्वेश्चन नंबर 43 ये कह रहा है लाइसोसोम अलॉन्ग विद फूड कंटेंट इज नोन है। तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी लाइसोसोम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक्स क्वेश्चन नंबर 44 ये कह रहा है विच सेल स्ट्रक्चर अकर इन एपिडर्मल सेल्स ऑफ ह्यूमन बट नॉट एपिडर्मल सेल्स ऑफ लीव। तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि सेंट्रियोल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक्स क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स साइज एंड शेप ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एट माइटोटिक मेटाफेज इज नोन है। तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैरियोटाइप इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक्स क्वेश्चन नंबर 46 ये कह रहा है सेंट्रोमियर इज आल्सो कॉल्ड। तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक्स क्वेश्चन नंबर 47 ये कह रहा है प्रोटोप्लाज्म इज। तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पॉलीफेजिक कोलाइडल सिस्टम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक्स क्वेश्चन नंबर 48 ये कह रहा है ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज डिस्कवर्ड बाय। तो 48 का राइट आंसर
पोर्टर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 49। ये कह रहा है द टर्म माइक्रोसोम वाज गिवन बाय, तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लाड क्लाड, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 50। ये कह रहा है माइक्रोसोम्स फॉर्म्ड फ्रॉम, तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी बॉडी, यानी ऑल ऑफ दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 51। ये कह रहा है कि प्लेन ऑफ न्यू सेल वॉल फॉर्मेशन इन ए डिवाइडिंग सेल इज डिटरमाइंड बाय, तो 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 52। ये कह रहा है प्लास्टिड्स कंटेन, तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, थैलेक्वाइड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 53। ये कह रहा है द डार्क स्टेंड रीजन्स इन ए क्रोमोसोम आर नोन एज, तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यू क्रोमैटिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 54। ये कह रहा है क्वांटासोम्स वेयर डिस्कवर्ड बाय, तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पर्क एंड बेगिंस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 55। ये कह रहा है कैरियोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाई डायग्राम कार्ड, तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइडियोग्राम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 56। ये कह रहा है स्फेरोसोम्स आर एसोसिएटेड विद, तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा, लिपिड मेटाबॉलिज्म इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 57। ये कह रहा है ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल आर गाइडेड बाय, तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 58। ये कह रहा है द एंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड, तो 58 का राइट आंसर टीलोमियर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 59। ये कह रहा है माइक्रोट्यूब्यूल्स वर वेयर डिस्कवर्ड बाय, तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी रॉबर्टीज एंड फ्रांसी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 60। ये कह रहा है द चीफ रोल ऑफ लाइसोसोम इज, तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 61। ये कह रहा है द टर्म सेल्स वाज गिवन बाय, तो 61 का राइट आंसर हुक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 62। ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 63। ये कह रहा है कि द न्यूक्लियाई अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियाई वाज सजेस्टेड बाय, तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हॉफ मिस्टर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 64। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट इन प्लांट्स, सो 64 का राइट आंसर सेलुलोज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 65। ये कह रहा है लाइसोसोम्स अकर मोस्टली इन, तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनिमल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 66। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ, तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्राउनियन मोमेंट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 67। ये कह रहा है आउट ऑफ द टोटल एंजाइम प्रेजेंट इन सेल माइटोकांड्रिया एलोन हैव, तो 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 70% इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 68। ये कह रहा है कि स्ट्रोमा इज द ग्राउंड सबस्टांस ऑफ, तो 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 69। ये कह रहा है कि राइबोसोम्स आर सेंटर्ड ऑफ, सेंटर ऑफ, यानी कि 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 70। ये कह रहा है क्रोमोसोम इज मेड ऑफ, तो 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 71। ये कह रहा है विच एलिमेंट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 72। ये कह रहा है सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल एडोकेटेड बाई, तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विर्चो इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 73। ये कह रहा है स्मॉलेस्ट सेल्स सो फार ऑब्जर्व आर ऑफ, तो 73 का राइट आंसर PPLO इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 74। ये कह रहा है कि जे हैमरलिंग वर्क एट एसिटेबुलेरिया विच इज, तो 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 75। ये कह रहा है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन ऑफ प्लास्मोडेस्माटा, तो
75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 76। ये कह रहा है वैक्स लाइक फैटी सबस्टेंस डिपोजिटेड ऑन एपिडर्मल सेल्स। तो 76 का राइट आंसर क्यूटीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 77। ये कह रहा है रफ टच ऑफ इक्विसिटम इज ड्यू टू। 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिलिका इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 78। ये कह रहा है विच इज एक्सोस्केलेटन ऑफ प्लांट सेल्स। तो 78 का राइट आंसर सेल वॉल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 79। एक है ऑयल कैविटीज इन सिट्रस आर। तो 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइसोजिनस कैविटी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 80। ये कह रहा है कि द फेमस यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल वाज गिवन बाय। तो 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्टसन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 81। ये कह रहा है फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज गिवन बाय। तो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंगर एंड निकोलसन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 82। ये कह रहा है द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज। तो 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेलेक्टिवली परमिएबल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 83। ये कह रहा है कि द एंथोसाइनिंस आर प्रेजेंट इन। तो 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेल सैप इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 84। ये कह रहा है कि द पिगमेंट विच कम्स आउट लीफ ऑन बॉइलिंग इन H2O इज। तो 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंथोसाइनिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 85। ये कह रहा है द नेम सार्कोडिक प्रोटोप्लाज्म वाज गिवन बाय। तो 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डुजार्डिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 86। ये कह रहा है द इन प्लांट प्रोटोप्लाज्म परसेंटेज ऑफ प्रोटीन्स इज अबाउट। तो 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7% इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 87। कह रहा है द टर्म क्लोरोप्लास्ट वाज गिवन बाय। तो 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंपर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 88। ये कह रहा है लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन विच फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेना इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 89। ये कह रहा है सेमी ऑटोनोमस नेचर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज ड्यू टू। तो 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज आर एंड राइबोस, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 90। ये कह रहा है द टर्म क्लोरोफिल वाज गिवन बाय। तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैवेन टू इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल इज, यानी कि क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। तो 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 92। ये कह रहा है राइबोसोम्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर ऑफ द टाइप। तो 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 70s इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 93। ये कह रहा है रॉबर्ट हुक पब्लिश द फिगर्स ऑफ कार्क सेल इन द बुक। तो 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रोग्राफिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 94। ये कह रहा है प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम यानी जीनोम कंटेंट्स। तो 94 का राइट आंसर डीएनए बट नो हिस्टोन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 95। ये कह रहा है द मेन प्रोटीन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला इज। तो 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूबुलिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है एन ऑर्गेनेल कंटेंस हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैटालेज एंजाइम द ऑर्गेनेल इज। तो 96 का राइट आंसर पराक्सिसोम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 97। ये कह रहा है ऑटोनॉमिक जीनोम सिस्टम अकरिंग। तो 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकांड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 98। ये कह रहा है कि 98 कह रहा है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन एज पर मॉडल ऑफ सिंगर एंड निकोलसन। तो 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन लिपिड एंड प्रोटीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि ATP ड्राइवन H पंप
इज प्रेजेंट इन ऑर्गेनेल। 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइसोसोम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामो क्वेश्चन नंबर 100, अगर स्टार्च एंड सेलुलोज आर मेड ऑफ, तो 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज इज राइट आंसर ऑफ दिस, ग्लूकोज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामो क्वेश्चन नंबर 101, एक इन द सक्यूल्स एंड सक्यूल्स ऑफ गॉल्जी बॉडी द कॉनकेव साइड यानी कि ट्रांसफेस और मेच्योरिटी फेस इज फेसिंग, तो 101 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक्स क्वेश्चन नंबर 102, ये कह रहा है लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट इन रेड मड यानी न्यूरोस्पोरा वाज फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय, तो 102 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेटाइल, मेटाइल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक्स क्वेश्चन नंबर 103, ये कह रहा है विच वाज डिस्कवर्ड बाय टॉलबर्ट यानी कि 103 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पराक्सिसोम्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक्स क्वेश्चन नंबर 104, ये कह रहा है कि विच ऑर्गेनेल इज एसोसिएटेड विद ए वास्ट फूल प्रोसेस इन ओनली C3 प्लांट, तो 104 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पराक्सिसोम्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक्स क्वेश्चन नंबर 105, ये कह रहा है कि स्फेरोसोम्स कैन बी बेस्ट ऑब्जर्व्ड इन, तो 105 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरेकिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक्स क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है कि डिप्लोसोम्स आर द स्ट्रक्चर फाउंड इन, तो 107 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रोसोम्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक्स क्वेश्चन नंबर 107, ये कह रहा है कि अनड्यूलेटोरी मूवमेंट आर शोन बाय, तो 107 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लैजिला इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक्स क्वेश्चन नंबर 108, ये कह रहा है ए डाइमर फॉर्म बाय यूनियन ऑफ टू राइबोसोम्स इज हैविंग सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट ऑफ, तो 108 का राइट आंसर, तो 120 यस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक्स क्वेश्चन नंबर 109, ये कह रहा है कि विच इज अब्सेंट इन राइबोसोम्स, तो इस राइबोसोम्स में कौन सा अब्सेंट होता है, तो 109 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिपिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक्स क्वेश्चन नंबर 110, ये कह रहा है राइबोसोम इज अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय, तो 110 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लार्जर यूनिट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक्स क्वेश्चन नंबर 111, ये कह रहा है कि आरएनए इन राइबोसोम्स इज मोस्टली, तो 111 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डबल स्टैंडर्ड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक्स क्वेश्चन नंबर 112, ये कह रहा है ए प्लांट सेल वैक्यूल कंटेंस, तो 112 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाटर एंड डिजॉल्व सबस्टेंस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक्स क्वेश्चन नंबर 113, ये कह रहा है कि विच केमिकल इज एबंडेंटली प्रेजेंट इन मिडिल लैमिला, तो 113 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पेक्टीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक्स क्वेश्चन नंबर 114, ये कह रहा है स्टार्च ग्रेन्स इन पोटैटो ट्यूबर आर लोकेटेड इन, 114 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 114 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ल्यूकोप्लास्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक्स क्वेश्चन नंबर 115, ये कह रहा है 115 कह रहा है टू कंपाउंड्स ऑफ प्लांट, देखिए फिर से जो है टू कंपाउंड्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट एंड नॉट ऑफ एनिमल्स आर, तो 115 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेलुलोज एंड स्टार्च इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक्स क्वेश्चन नंबर 116, ये कह रहा है सिस्टोलिथ इज ए डिपोजिट ऑफ, 116 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक्स क्वेश्चन नंबर 117, ये कह रहा है माइटोकांड्रिया आर अब्सेंट इन, 117 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक्स क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है कि राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थ्रू, 118 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइबोसोम्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक्स राइबोफोरिन्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक्स क्वेश्चन नंबर 119, ये कह रहा है राइबोफोरिन्स क्या है, तो 119 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक्स क्वेश्चन नंबर 120, द मेन रोल ऑफ न्यूक्लियोलस इन न्यूक्लियस इज, 120 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइबोसोम फॉर्मेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक्स क्वेश्चन नंबर 121, ये कह रहा है यूकैरियोटिक राइबोसोम
ब्रेक इनटू द 1 2 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 60s एंड 40s इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 1 2 2 ये कह रहा है हाइड्रोलाइजिज ऑफ लाइसोसोम फंक्शंस एट, तो 1 2 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा एसिडिक पीएच इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये कह रहा है सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल आर सिंथेसाइज्ड बाय, तो 1 2 3 का राइट आंसर डिक्टियोसोम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 1 2 4 ये कह रहा है कि द लीस्ट प्रपोर्सन ऑफ विच वन इज फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, 1 2 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 1 2 5 ये कह रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वेल डेवलप्ड इन सेल्स इन्वॉल्व्ड इन, तो 1 2 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 1 2 6 ये कह रहा है कि द कैरियोथिका फैसिलिटेट्स, तो 1 2 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 1 2 7 ये कह रहा है ऑक्टोमर ऑफ 4 टाइप ऑफ स्टोन रैप्ड बाई डीएनए थ्रेड इज सेल्ड कॉल्ड, तो 1 2 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा न्यूक्लियोसोम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 1 1 2 8 कह रहा है मल्टी न्यूक्लिएट सेल इन प्लांट इज कॉल्ड, तो 1 2 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सीनोसाइट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 1 2 9 ये कह रहा है एक्सटेंसिव पॉलीमॉर्फिज्म इज शोन बाय विच, तो 1 2 9 का राइट आंसर लाइसोसोम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 1 30 ये कह रहा है जीनोम इज, तो 1 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा क्रोमोसोम इन गैमेट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 1 31 कह रहा है कि लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल इज, तो 1 31 का राइट आंसर क्लोरोप्लास्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 1 32 ये कह रहा है फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल आर, तो 1 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा एम्फीपैथिक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 1 33 ये कह रहा है क्वांटासोम्स कंटेंस, 1 33 का राइट आंसर 233 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 1 34 कह रहा है कि द एंजाइम ऑफ क्रेब साइकिल्स आर प्रेजेंट इन, तो 1 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 1 35 पे कह रहा है सिंगल नेक्ड क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन, तो 1 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बैक्टीरिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 1 36 ये कह रहा है साइक्लोसिस कैन बी बेस्ट ऑब्जर्व इन, तो 1 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टेमिनल हेयर ऑफ ट्रेडिकेंसिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 1 37 कह रहा है सेल ऑर्गेनेल आर एम्बेडेड इन, तो 1 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साइटोप्लाज्म इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 1 38 ये कह रहा है कि प्राइमरी डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन टू ए कैरियोबायोन्टा एंड कैरियोबायोन्टा इज बेस्ड ऑन, 1 38 का राइट आंसर न्यूक्लियस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 1 39 ये कह रहा है हु स्टेबलाइज न्यूक्लियस एज एन इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल एंटिटी, यानी कि 1 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 140 ये कह रहा है कि सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी इन, तो 140 का राइट आंसर क्या हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 141 ये कह रहा है कि एटीपी फॉर्मेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया टेक्स प्लेस इन, 141 का राइट आंसर क्रिस्टी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 142 ये कह रहा है माइटोकॉन्ड्रियन विदाउट इट्स आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, तो 142 का राइट आंसर क्या हो जाएगा माइटोप्लास्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 143 ये कह रहा है केन शुगर इज मेड ऑफ, तो 143 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 ग्लूकोज एंड 1 फ्रक्टोज मॉलिक्यूल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 144 ये कह रहा है फैन लाइक क्रिस्टल ऑफ इनुलिन आर प्रेजेंट इन रूट्स ऑफ, तो 144 का राइट आंसर क्या हो जाएगा डहेलिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 145 पे कह रहा है स्टार्च ऑफ पोटैटो इज मेड ऑफ, 145 का राइट आंसर क्या हो जाएगा एमाइलोपेक्टिन इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए एंड बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 146 ये कह रहा है एसेंट्रिक स्टार्च ग्रेन आर प्रेजेंट इन,
146 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोटैटो इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 147। ये कह रहा है कंपाउंड स्टार्च ग्रेन्स आर फाउंड इन, तो 147 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बनाना इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 148। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिबरेट्स मैक्सिमम एनर्जी ऑन ऑक्सीडेशन, तो 148 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिपिड्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 149। ये कह रहा है कि एमिनो एसिड इन प्रोटीन्स आर लिंक टुगेदर बाई मीन्स ऑफ, तो 149 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 150। ये कह रहा है साइटोक्रोम्स विच आर कैराइज ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेंस विच एलिमेंट, तो 150 का राइट आंसर आयरन यानी कि एफी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 151 कह रहा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन्स गिव्स ए बैड स्मेल थिन प्रोसेस इज कॉल्ड, तो 151 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुट्रेफैक्शन यानी कि पुट्रेफैक्शन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 152 कह रहा है केमिस्ट्री ऑफ एंजाइम वाज फर्स्ट स्टडीड बाई, तो 152 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सुमनर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 153। एक नेक्टर कंसिस्ट ऑफ, तो 153 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुक्रोज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 154 कह रहा है कि एन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट अल्केलॉइड आर प्रेजेंट इन, तो 154 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ सेल वैक्यूल एंड साइटोप्लाज्म इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 155। ये कह रहा है हिंज ऑफ कॉमर्स इज ए, तो 155 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेजिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 156। कह रहा है स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड ड्रसेस आर प्रेजेंट इन, 156 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पपाया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 157। ये कह रहा है टार्टरिक एसिड इज प्रेजेंट इन, तो ये हो जाएगा टमरिंडस इज राइट आंसर, जिसको हम लोग इमली कहते हैं, इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 158। कह रहा है पैपिन एंजाइम यूज इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज फाउंड इन, 158 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लैटेक्स ऑफ पपाया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 159। ये कह रहा है की लॉग थ्योरी ऑफ एंजाइम एक्शन वाज गिवन बाय, 159 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फिशर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 159 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिशर यानी कि। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 160। ये कह रहा है द जनरल साइज ऑफ न्यूक्लियस इज, 160 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5-30 माइक्रॉन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन, देखें दोस्तों 161 नंबर क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज स्टोर हाउस ऑफ डीएनए, तो 161 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूक्लियोलस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 162। ये कह रहा है इन विच लार्जेस्ट क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, 162 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वीट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 163। ये कह रहा है एंगुलर डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम्स इज एट, 163 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 164। ये कह रहा है 1 picogram ऑफ डीएनए इज द वेट ऑफ, तो 164 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 31 cm डीएनए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 135। ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर हिस्टोन्स, तो 165 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 165 का राइट आंसर ये हो जाएगा H1, H2A, H2B, H3, H4, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 166। ये कह रहा है द डायमीटर ऑफ न्यूक्लियोसोम इज, 166 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12.5 nm नैनोमीटर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 167। ये कह रहा है कोर पार्टिकल आर कनेक्टेड बाय, तो 167 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिंकर डीएनए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 168। ये कह रहा है पॉलीटीन क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन, तो 168 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेलिवरी ग्लैंड ऑफ सेलिवरी ग्लैंड सेल्स ऑफ ड्रोसोफिला इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 169। ये कह रहा है द लूप्स ऑफ लैम्ब्रूस क्रोमोसोम्स
क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ 169 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 178 का है, बल्बियानी पॉप्स आर प्रेजेंट इन, 170 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 171 कह रहा है कि द फर्स्ट एंजाइम विच वॉज आइसोलेटेड इन प्योर क्रिस्टेलाइन फॉर्म्स इज, तो 171 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यूरिएज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 172 कह रहा है कि द एंजाइम वाज फर्स्ट क्रिस्टलाइज बाय, 172 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जे बी सुमनर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 173 कह रहा है, व्हेन द को फैक्टर ऑफ एन एंजाइम इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इट इज कॉल्ड, तो 173 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, को एंजाइम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 174 ये कह रहा है कि द कैटालिटिकली एक्टिव एंजाइम को फैक्टर कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड द, 174 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, होलो एंजाइम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 175 पे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइडली यूज एज मेटल को फैक्टर, यानी कि 175 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम आयन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 176 कह रहा है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल इज, तो 176 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम्फीटेरिक इज राइट आंसर, एम्फोटेरिक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 177 ये कह रहा है, ज्विटर आयन फॉर्मेशन अकर्स इन, तो 177 का राइट आंसर प्रोटीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 178 ये कह रहा है, व्हेन प्रोटीन इज हीटेड इट इज, यानी कि 178 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नेचर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 179 कह रहा है, द डिटेल ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स वेयर आर वर्कड आउट ऑफ बाई, 179 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाउलिंग एंड कोरी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 180 कह रहा है कि प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ, तो 180 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ लिविंग एंड डेड अर्थ स्ट्रक्चर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 181 ये कह रहा है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज, 181 का राइट आंसर प्रोटोप्लाज्म इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 182 ये कह रहा है कि फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी इज, तो 182 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी पी स्वासन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 183 ये कह रहा है, हु हैज अप्लाइड सेल थ्योरी टू प्लांट्स, 183 का राइट आंसर स्लीडन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 184 ये कह रहा है कि द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज गिवन बाय, तो 184 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुर्किंजे इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 185 ये कह रहा है, एंट्री ऑफ आयन थ्रू प्लाज्मा लेमा टेक्स प्लेस बाय, 185 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 185 का राइट आंसर कैराइज हो जाएगा, साइटोक्रोम पंप्स हो जाएगा, फॉस्फेटिडी साइकिल हो जाएगा, या ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 186 से कह रहा है, सेल मेम्ब्रेन इज, 186 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेमी परमिएबल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 187 ये कह रहा है, ज्विटर आयन इफेक्ट एक्सिबिटेड बाय, 187 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंजाइमेटिक प्रोटीन्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 188 ये कह रहा है कि हु डिफाइंड प्रोटोप्लाज्म है एज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, तो 188 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जे हक्सले इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 189 ये कह रहा है, हाइलोप्लाज्म इज, 189 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म माइनस ऑर्गेनोइड प्लाज्म बराबर हाइलोप्लाज्म, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 190 ये कह रहा है, सेल थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाई, तो 190 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्लीडन एंड स्वान इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 191 ये कह रहा है, द सबस्टेंस विच मेक अप अबाउट 80% ऑफ साइटोप्लाज्म इन प्लांट सेल इज, तो 181 का राइट आंसर ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 192 कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट प्रोसेस, तो 192 का राइट आंसर क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 193 ये कह रहा है, जनरली द स्मॉलर द सेल, यानी कि 193 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इट विल बी मेटाबॉलिकली
मोर एक्टिव है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 194 का द यानी कि लेटेस्ट मॉडल दैट इज प्रपोज टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। 194 का राइट आंसर फ्लूइड मोजैक मॉडल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 195 कह रहा है कि द सेल मेम्ब्रेन आर कंपोज मेनली ऑफ। 195 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 196 ये कह रहा है पीएच ऑफ साइटोप्लाज्म। 196 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्लाइटली एसिडिक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन 196 का राइट आंसर स्लाइटली एसिडिक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 197 ये कह रहा है चीफ ऑर्गेनिक सबस्टांस प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म इज। 197 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोटीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 198 ये कह रहा है कि द हाईएस्ट परसेंटेज इन साइटोप्लाज्म इज ऑफ, यानी कि 198 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 199 ये कह रहा है द मेन डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल इज। 199 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनिमल सेल्स लैक रिजिड सेल वाल, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 200 ये कह रहा है प्लांट सेल यूजुअली डिफर फ्रॉम एन एनिमल सेल इन द एब्सेंस ऑफ। तो 200 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रीओल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में और बहुत ही जल्द आपको इसका नेक्स्ट पार्ट मिलेगा। सो मेनी थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियो। आप लोग दोस्तों सब्सक्राइब करिए क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता है। सो मेनी थैंक्स अगेंस्ट टू ऑल ऑफ यू। Thanks.